अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज के वीडियो में कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। तवक्कलना की तरफ से ये अपडेट आया है, 23 मिलियन लोग तवक्कलना का इस्तेमाल करते हैं और 100 फीचर से ज्यादा इसमें दिया गया है और 75 कंट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन जिन लोगों का तवक्कलना अपने देश में ओपन नहीं होता है वो क्या करे, और जो लोग भी नए वीजा होल्डर है, जो लोग भी नए वीजा पे आना चाहते हैं सऊदी अरबिया में और उसने अपने देश में वैक्सीन लगवा लिया है डबल डोज, वो किस तरह से अपने तवक्कलना में इम्यून शो कर सकते हैं, यानी अपना स्टेटस शो करा सकते हैं। क्योंकि सऊदी अरबिया में आएंगे अगर आपके तवक्कलना पे इम्यून शो नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्वारंटीन किया जाएगा, ये याद रखें। और क्वारंटीन का जो खर्चा है पूरा 2500 से 3000 रियाल खर्चा है, और इसका जो पैसा है एजेंट लोग ज्यादा लेता है, क्योंकि वहां पे बताया जाता है कि आप नए लोग हैं, आप नए वीजा पे जाना चाहते हैं या जाएंगे तो आपका जो खर्चा है होटल क्वारंटीन का ये भरना पड़ेगा, तभी वहां पे जा सकते हैं। और पूरा पैसा आपसे वसूला जाता है, जो भी एजेंट लोग है आपसे पूरा पैसा लेकर यहाँ पे भेजता है। लेकिन जो लोग भी अपने देश में सेकेंड डोज लगवा लिए हैं, जो सऊदी अरबिया का अप्रूवल वैक्सीन है, तो आप लोग यहाँ पे आएंगे कोई भी खर्चा नहीं लगेगा होटल क्वारंटीन का, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं। पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप लोग तवक्कलना का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने देश में नहीं होता है तो यहाँ आने के बाद क्या करना पड़ेगा ताकि आपके तवक्कलना पे इम्यून शो हो जाए। और वजारत सेहत की तरफ से ये अपडेट दिया गया है, उन लोगों को तीसरा वैक्सीन लगाया जाएगा कोरोना वायरस का जिन्होंने ट्रांसप्लांट सर्जरी कराया है और भी इसमें मर्ज शामिल है, अगर इन मर्ज में वो लोग मुबतला है या इसने करवाया है, उन लोगों को तीसरा भी वैक्सीन लगाया जाएगा ताकि उनका जो सेहत है और अच्छा हो सके, कोरोना वायरस से वो महफूज रह सके। तो हम बात करते हैं, बहुत भाई ये सवाल करके पूछते हैं कि भाई हमने डबल डोज अपने देश में लगा लिया है तो हम किस तरह से सऊदी अरबी आएंगे ताकि हमें क्वारंटीन न होना पड़े। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। अगर आप लोग अभी तक अपने देश में वैक्सीन नहीं लगवाए हैं और सऊदी अरबी आना चाहते हैं या किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो अपने देश में वो वैक्सीन लगवाए जो उस देश में अप्रूवल हो ताकि आप वहां पे जाए तो आपको क्वारंटीन न होना पड़े। क्योंकि बहुत ऐसे देश है जहां पे अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो वहां पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सऊदी अरबिया में आप बिना वैक्सीन के भी एंटर कर सकते हैं, यहां पे 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। अगर आपने अपने देश में डबल डोज वैक्सीन लगवा लिया है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ई सर्विस पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है और जो भी वहां पे मांगा जाएगा पासपोर्ट नंबर, वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो पूरा डिटेल वहां पे मांगा जाता है, जो भी मांगा जाए वहां पे सही सही भर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। जिस देश से भी आप आना चाहते हैं अगर उस देश से डायरेक्ट फ्लाइट आती है वहां पे कोई भी पाबंदी नहीं, जैसा कि नेपाल, बांग्लादेश, कतर, मालदीव से आती है वहां से डायरेक्ट लोग आ सकते हैं और यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। अगर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आके तवक्कलना को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी अपने देश से डायरेक्ट नहीं आ सकते, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान से न्यू वीजा वाले डायरेक्ट नहीं आ सकते, यानी जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया है अपने सऊदी अरबिया का, सऊदी अरबिया में रहकर वो लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते। जिस देश से भी आप आना चाहते हैं अगर उस देश से डायरेक्ट फ्लाइट आती है वहां पे पाबंदी नहीं है, जैसा कि बांग्लादेश, नेपाल, कतर, मालदीव, यहां से लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन जिस कंट्री से पाबंदी है वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे वैक्सीन लगवाए हैं, लेकिन वहां से वो लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते क्योंकि वो सऊदी अरबिया में रहकर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, अपने देश में लगवाए हैं, तो वो लोग किसी वाया कंट्री के जरिए आ सकते हैं। आपको जो भी कंट्री अच्छा लगा आप उस जरिए से यहाँ पे आ सकते हैं। तो जब 72 घंटा बाकी रहे तो आप अपना PCR टेस्ट कराए, उसके बाद मुकीम वेबसाइट पे पूरा डिटेल डाले किस एयरलाइन से आ रहे हैं, किस एयरपोर्ट पे सऊदी अरबिया में आ रहे हैं, वहां पे बहुत चीज मांगा जाता है, आप वहां पे फिलअप कर दे, उसके बाद पोस्ट कर दे, सबमिट कर दे, आपका काम हो जाएगा, आप वहां पे तवक्कलना को ओपन नहीं कर सकते हैं। जब किसी और कंट्री में जाएंगे वहां पे रहेंगे, उसके बाद वहां से जब सऊदी अरबिया में एंटर करेंगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट में आपके पासपोर्ट पे एक बॉर्डर नंबर दिया जाएगा, उस बॉर्डर नंबर को लेकर उसी से आपका अकाउंट बनेगा। तो एयरपोर्ट में सिम खरीदे, आपको जो भी सिम अच्छा लगे वो सिम खरीद ले, उसके बाद अपने तवक्कलना को रजिस्ट्रेशन करे उस बॉर्डर नंबर को डालकर और मोबाइल नंबर डालकर, आप आसानी से अपने तवक्कलना को ओपन कर सकते हैं। जब ओपन करेंगे तो आपका जो तवक्कलना है इम्यून हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है जो लोग भी नए वीजा पे आते हैं उनसे एजेंट लोग काफी पैसा ठगते हैं, काफी पैसों का डिमांड करते हैं, तुम नए वीजा पे जा रहे हो तुम्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा 7 दिन, तो उसका जो खर्चा है 3000 रियाल यहाँ पे कर दे ताकि मैं खुद बात कर लूं, वहां पे खुद तुम्हारा पैकेज लगा दूं ताकि वहां पे जाओगे तो तुम परेशान न होगे। तो जो लोग भी नए वीजा पे आना चाहते हैं अगर आपने अपने देश में सऊदी अरबिया के अप्रूवल वैक्सीन लगवाया है तो आप लोग क्वारंटीन का पैकेज न दे अपने एजेंट को या मेन पावर को, आप टिकट लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, अपने तवक्कलना को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं,
बहुत आसानी से ओपन हो जाता है, लेकिन आपको पहले वो काम करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तभी यहाँ आकर वो काम कर सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे पैसा ठगा गया है, पैसा लूटा गया है, लेकिन जब वो सऊदी अरबिया में एंटर किए, उसके बाद तवक्कलना को ओपन किए, उसका तवक्कलना ओपन हो गया, इम्यून शो हो रहा है। वो होटल में गए थे क्वारंटीन के लिए, क्योंकि उसने क्वारंटीन का जो पूरा खर्चा है वहां पे पे किया था अपने देश में, लेकिन जब वो होटल में गए तो वहां पे देखा इसका तवक्कलना इम्यून है, यानी कंप्लीट डोज बता रहा है, तो उससे क्वारंटीन नहीं किया गया, क्योंकि इसने अपने देश में डबल डोज वैक्सीन लिया है। तो आप लोग कोई भी पैसा पे न करे, बस ऑनलाइन अपना फॉर्म फिलअप कर दे, और जो लोग भी एक वैक्सीन लगवा कर आना चाहते हैं तो उन लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन किया जाएगा। अगर आप जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन लगवा कर आते हैं तो यहाँ पे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। और जो लोग भी सऊदी अरबिया से एक वैक्सीन लगवा कर गए अपने देश में और वो लोग आना चाहते हैं किसी और कंट्री के जरिए या डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी सऊदी अरबिया में क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसने सऊदी अरबिया में रहकर एक वैक्सीन लगवाया है। यहाँ आकर आप दोबारा भी लगवा सकते हैं, अगर अपने देश में ले लेते हैं तो और अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। तो काफी लोग ये सवाल करते हैं, जब तवक्कलना 75 कंट्रियों में अवेलेबल है तो हमारे देश में ये क्यों ओपन नहीं होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सऊदी अरबिया में रहकर तवक्कलना पे अपना अकाउंट बना लिए हैं, उसके बाद अपने देश चले जाते हैं, तो वहां पे जाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे अपना स्टेटस दिखा सकते हैं, लेकिन जब लॉग आउट करेंगे तो वहां पे जल्दी ओपन नहीं होता है, क्योंकि लोकेशन का मामला हो जाता है। अगर आप अपने देश में रहकर तवक्कलना को ओपन करेंगे तो जल्दी नहीं होता है, क्यों? आपने सऊदी अरबिया में रहकर तवक्कलना अकाउंट नहीं बनाया है, ये मामला है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ का लोकेशन और यहाँ का मोबाइल नंबर, एकामा नंबर या बॉर्डर नंबर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपका तवक्कलना ओपन हो जाएगा। वहां पे लोकेशन ट्रैक करेगा और आपके तो मोबाइल का लोकेशन ऑन होना चाहिए, ताकि आप पे गवर्नमेंट नजर रखती है। अगर आप सऊदी अरब में आते हैं और आपको क्वारंटीन के लिए कहा जाता है, आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है और आप इधर उधर घूमते हैं, तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि तवक्कलना का जो लोकेशन है ओपन रहेगा तो आप पे निगरानी रखा जाता है। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन लोगों को कहा था होम क्वारंटीन रहने के लिए, लेकिन रूम से वो बाहर घूमने के लिए जाता था, तो इसलिए उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, उन लोगों के ऊपर फाइन भी लगाया गया है। तो आप ये गलती न करें अगर सऊदी अरब में आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन न ले, अगर आपके देश में तवक्कलना ओपन नहीं होता है तो हर काम कर दे, अगर सक्सेसफुल वहां पे बता रहा है तो। सऊदी अरब में आएंगे एयरपोर्ट में, जब नया सिम लेंगे उसके बाद जो बॉर्डर नंबर आपके पासपोर्ट में दिया जाता है या आपके पास एकामा है और यहाँ पे आएंगे, उस मोबाइल नंबर का, उस एकामा नंबर का या बॉर्डर नंबर जो पासपोर्ट पे नंबर लिखा जाता है, उस नंबर के जरिए अगर बनाएंगे तो आपका तवक्कलना ओपन हो जाएगा, इम्यून शो हो जाएगा, अगर आपने डबल डोज वैक्सीन लगवाया है। आपने अपने देश में वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया है, फिर भी अगर आप सऊदी अरब आएंगे नए वीजा पे, तो आपको मुकीम वेबसाइट पे 72 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने वैक्सीन लगवाया है डबल डोज, तो वहां पे जाकर वैक्सीनेटेड विजिटर पे क्लिक करें। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वहां पे नो वैक्सीनेटेड विजिटर पे क्लिक करें, और वहां पे जाकर जो भी मांगा जाता है, जो भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा वहां पे आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। तो आसानी से ये काम कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, यहाँ से मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सऊदी अरबिया में हूँ, मैंने करके देखा है यहाँ से नहीं होता है। जो लोग भी सऊदी अरबिया से बाहर है वही लोग कर सकते हैं, तो याद रहे आप लोग आसानी से करके आ सकते हैं।